والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد إقبال بلندر صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن حكيم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی 142 آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. مختصر الفاظ ہیں لیکن اتنے عمیق معانی ہیں اس میں کہ اس ضمن میں شاید علم کلام اسلامی یعنی عام زبان میں کہا جائے کہ دینیات کی مشکل ترین بحثیں یہاں نہوتا ہے. یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. تسلسل فکری یہ ہے, آپ حضرات مستحضر ہیں یعنی آپ حضرات کے پیش نظر ہیں یہ بات کہ گزشتہ جو عشر محرم میں نے یہاں آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا اس میں عنوان تھا حقیقت اور حسین, اور اس مرتبہ اس سرنامے قرآنی کے ضمن میں عنوان ہے مشیت اور حسین. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہ محمد. اور حقیقت یہ ہے کہ مشیت الہیہ اور ارادہ الہیہ سے متعلق جو بحثیں ہیں وہ دینیات کی ریلیجس فلسفی کی اور علم کلام کی دقیق ترین اور مشکل ترین اور پیچیدہ ترین بحثیں ہیں. اب بعض میرے احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی مشکل بحثیں ممبر پر لے کر کیوں آتے ہیں, اور میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ممبر عزائے حسینی یا ممبر حسینی یہ کوئی عام قسم کا عوامی اسٹیج نہیں ہے. ہاں, عمومی سطح ذہنی کی رعایت کو ملحوظ رکھنا اپنی جگہ ایک الگ بات ہے, لیکن عوام پسندانہ رویہ اختیار کر کے مطالب کو قربان کر دینا دوسری بات.
मुश्किल मतालिब को दकीक बहसों को सुलझा कर सहल उसलूब में आवामुन नास तक पहुँचाना ये इसी मिंबर का कमाल है और ये इस मिंबर के फराइज में से मिंबरे हुसैनी मिंबरे अज़ाए हुसैन। इसलिए कि आका हुसैन उस आका का उस मौला का उस इमाम का उस रहबर का नाम है जिसने दीनियात की मुश्किल तरीन बहसों को अपनी कुर्बानी से हल कर दिया है, मुश्किल तरीन बहसों को, और तमाम अंबिया की मुश्किलों को, तमाम अंबिया की मुश्किलों को जो राह तबलीग में थी, जो बंदों को खुदा तक ले जाने की राह में मुश्किलें हो सकती थी फिक्री और अमली दोनों, फिक्री मुश्किलें और अमली मुश्किलें, हर तरह की मुश्किलों को सरकार अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन ने अपने वजूद और अपनी कुर्बानी से हल कर दिया। ये हुसैन एक सलावत पढ़ती आका हजरत इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन जो आप हजरत ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं ये किसी गैर मासूम की तसनीफ की हुई ज़ियारत थोड़ी है, ये एक मासूम ने तालीम फरमाई है, ये एक मासूम ने तालीम फरमाई है और मासूम कहते ही उसे हैं जो हर शय की हक का हकीकत शनास हो और हर शय की कदर शनासी ऐसी करता हो कि कदरदानी और कदर शनासी का हक अदा करने वाला हो। तो मासूम ने सिखा ये कि आका हुसैन को जब तुम खिताब करो और उनकी बारगाह में अर्ज अदब करो तो इन कलिमात में करो, ये कहना कि सलाम हो आप पर कि आप वारिस आदम हैं, सलाम हो आप पर कि आप वारिस नूह हैं, सलाम हो उस ज़ात गिरामी पर जो वारिस इब्राहिम है, सलाम हो उस ज़ात अज़ीम पर जो वारिस मूसा है, सलाम हो उस मनारे हिदायत पर जो वारिस ईसा है। ये कलिमात ये अल्फाज ये अंदाज़ ख़िताब ये सलाम के फ़िक्रे ये दलील है इस मेरे मारूज़े पर कि तमाम अम्बिया की जो मुश्किलें तबलीग में थी वो हुसैन ने हल की अपने वजूद मुबारक से, अपने इक़दाम जिहाद से और अपनी कुर्बानी से। एक जुमला और अर्ज करता चलूं, लोगों के लिए ये बातें, बहुत से लोगों के लिए ये बातें नामफहूम होंगी, समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन अगर इल्मी ज़ौक़ हो और फ़ज़ीलत का मफहूम समझते हो, फ़ज़ाइल का ज़ौक़ हो, ज़ौक़ विजदान, तो वो ये समझ सकते हैं कि सरकार सैयदुश्शुहदा अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी इतनी अज़ीम है, इतनी अज़ीम है, इतनी अज़ीम है कि जितना इसके करीब जाते जाइए इसकी अज़मतों में इजाफा होता चला जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी फ़र्द आपकी फ़ज़ीलतों का इहाता कर सके, ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी फ़र्द आपकी कुन्ह मारिफत तक पहुँच सके। जितना जितनी बार निगाह डालेंगे इस शख्सियत पर उतनी मर्तबा नई मारिफत नसीब, नई करामतें, नई तजल्लियां, नए फ़वाहिद, नए कमालात सामने आएंगे। ये हुसैन और ये शान हर मर्द इलाही की शान होती है, जो भी मर्दाने इलाही हैं।